आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच में पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच 14 जून से शुरू गई है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। भारतीय टीम और अफगानिस्तान की टीमें दोनों ही इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर क्रिकेट की दुनिया से आई है। सौराष्ट्र की रणजी टीम में खेल चुके क्रिकेटर मुलुभा जडेजा की मां एथ हो गई। मंगलवार को अपने निवास में 88 साल की उम्र में इस पूर्व बल्लेबाज ने अंतिम सांस ली। पिछले काफी लंबे समय से मुलुभा जडेजा बीमार थे, यह जानकारी जडेजा के घर वालों ने दी। जडेजा साल 1945 से 1964 तक क्रिकेट की प्रथम श्रेणी में 31 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 26.9 की औसत 1373 रन बनाए हैं। अपने पूरे करियर में उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। इसमें मुलुभा का हाई स्कोर 110 रन का रह चुका है। उनकी मां ऐथ पर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने शोक जताया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर हिमांशु शाह ने मीडिया रिलीज में कहा कि गवर्निंग बॉडी के पूर्व क्रिकेटर मुलुभा के निधन से एसीए में हर कोई दुखी है।